सिविल कोर्ट बार एसोसिएशन की नई कार्यकारिणी के अध्यक्ष और मंत्री के परिणाम घोषित हुए। अध्यक्ष पद के लिए भानु प्रताप पांडे 556 वोट पाकर विजयी हुए, वहीं उनके प्रतिद्वंद्वी मनोज कुमार पांडे को 519 वोट मिले और हार का सामना करना पड़ा। मंत्री पद के लिए अनुराग दुबे 537 वोट पाकर विजयी हुए और उनके प्रतिद्वंद्वी धीरेन्द्र कुमार द्विवेदी को 500 वोट पड़े और हार का सामना करना पड़ा। शेष बचे पदाधिकारियों का परिणाम 10 अक्टूबर को घोषित होगा। सिविल कोर्ट बार एसोसिएशन के चुनाव के संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए चुनाव अधिकारी कुमारी अमिता शर्मा ने कहा, क्या दूरी बना के रखे हैं। भैया हमारे निकल जाएंगे मुक्त भाई पाँच सौ में काल कर। हमारा हो जाओ भैया लगे भैया हमारे भैया निकल बढ़िया नहीं भैया कुमारी अमिता शर्मा। चुनाव हो रहा है वो संपूर्ण चुनाव पूरा कार्यकारिणी संपूर्ण होती है उसका है, जिसमें अध्यक्ष मंत्री वरिष्ठ उपाध्यक्ष और उपाध्यक्ष 10 वर्ष जिनकी प्रैक्टिस हो गई है उसके ऊपर वाले हैं और उपाध्यक्ष 10 वर्ष के नीचे जिनकी प्रैक्टिस है वो लोग हैं। ऐसे दो दो सदस्य हैं, एक वरिष्ठ उपाध्यक्ष, दो 10 वर्ष से ऊपर वाले, दो 10 वर्ष से नीचे वाले, एक संयुक्त मंत्री प्रशासन है, संयुक्त मंत्री पुस्तकालय है, संयुक्त मंत्री प्रकाशन है, कोषाध्यक्ष है, वरिष्ठ कार्यकारिणी के मेंबर के लिए है जो 6 होंगे और कनिष्ठ कार्यकारिणी के मेंबर होंगे जो 6 होंगे। इन सारे लोगों का चुनाव एक साथ लोगों का परिणाम आज घोषित कर दिया जाएगा। आज अध्यक्ष और मंत्री का ही परिणाम हो पाएगा, बाकी लोगों का अपने बाकी व्यवस्था देखते हुए।